हेलो स्टूडेंट्स, वेल्कम टू MKH। माई सेल्फ मानवी चौधरी और आज हम पढ़ेंगे आपकी क्लास 7th का 12th चैप्टर पादपों में जनन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चैप्टर के नेम की। पहले हम इसके बारे में समझ लेते हैं पादपों में जनन का मतलब क्या है, कि पादपों द्वारा अपने जैसे नए पादप विकसित करना, अपने जैसे नए पादप विकसित करना। क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि पादपों के अंदर जनन की कौन कौन सी विधियां हैं, ये कैसे होता है और इन पादपों का कौन सा भाग जनन करने में हेल्प करता है। पहले हम बात करते हैं पादप के भाग। नॉर्मली हम अगर बात करें कि किसी भी प्लांट या किसी भी पादप के कितने भाग होते हैं, 3 भाग। कौन कौन से? जड़, तना और पत्ती। जड़, तना और पत्ती, ये तीनों कौन से भाग होते हैं पादप? किसी भी पादप के कायिक भाग होते हैं। कौन से भाग होते हैं? कायिक भाग। और पादप का जो पुष्प होता है पादप के अंदर, वो कौन सा भाग होता है? वो जनन भाग होता है, या इसे कहते हैं जनन अंग, जो क्या करता है? जनन करने में हेल्प करवाता है। क्या होता है कि जब नया पादप बनता है, क्या होता है जब कोई पादप बनता है, जब बीज डाल दिया जाता है, उसके बाद वो ग्रोथ करता है और एक पादप के फॉर्म में आता है, तो उसके कुछ टाइम के बाद क्या होता है, उसमें पुष्प निकलना शुरू हो जाते हैं। और ये पुष्प आगे जाकर किस में चेंज हो जाते हैं, किस में बदल जाते हैं? फल में बदल जाते हैं। और हम क्या करते हैं? फल खाते हैं और इसके अंदर से जो बीज होता है, या जिसे आम भाषा में हम बोलते हैं जो गुठली होती है, उसे क्या कर देते हैं? बाहर फेंक देते हैं। और यही गुठली क्या करती है, यही बीज क्या करते हैं, आगे जाकर अंकुरित होते हैं और नए पादप का निर्माण करते हैं। अंकुरित होते हैं और नए पादप का निर्माण करते हैं, यानी पुष्प के अंदर जनन करने का, नए पादप बनाने का कार्य जो है वो किस पे डिपेंड करता है? पुष्प पे करता है। ठीक है, पुष्प के अंदर क्या होते हैं? 2 प्रकार के जनन अंग पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो नर जनन अंग और दूसरा मादा जनन अंग। नर जनन अंग का नाम क्या है? पुंकेसर। और मादा जनन अंग का नाम है स्त्रीकेसर। ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? नर जनन अंग और मादा जनन अंग, यानी पुंकेसर और स्त्रीकेसर मिलकर क्या करते हैं? नए पादप का निर्माण करते हैं। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो जनन है वो कितने टाइप का होता है, पादपों के अंदर जनन कितने प्रकार का होता है। तो नॉर्मली अगर देखें तो पादपों के अंदर जो जनन है वो 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। पहला होता है अलैंगिक जनन, और दूसरा होता है लैंगिक जनन। इन दोनों के अंदर बिल्कुल छोटा सा एक ही डिफरेंस होता है। क्या होता है कि जो
अलैंगिक जनन होता है, इसके अंदर पादप क्या करते हैं, वो बीज का निर्माण नहीं करते, यानी बीज का निर्माण नहीं होता। बीज का निर्माण नहीं होने का क्या मतलब है, हमने अभी देखा था कि जो नया पादप बन रहा था वो कैसे बन रहा था, कि जब बीज अंकुरित हो रहे थे तभी बन रहा था। अलैंगिक जनन के अंदर क्या होगा, नए पादप का विकास बीज से नहीं होगा, बीज से नहीं होगा। लेकिन लैंगिक जनन के अंदर क्या होता है कि पादप का, नए पादप का विकास बीज से होता है। इसमें बीज अंकुरित होगा और फिर क्या होगा, वो नए पादप के रूप में विकसित होगा। तो लैंगिक जनन किस पे डिपेंड करता है, बीजों के निर्माण पे डिपेंड करता है, और अलैंगिक जनन के अंदर बीज का होना ज़रूरी नहीं होता, यानी वह जनन जिसके अंदर बीज नहीं होते क्या कहलाता है, बीज का निर्माण या जो बीज से नए पादप का विकास नहीं करते, अलैंगिक जनन कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे अलैंगिक जनन के बारे में। अगर अलैंगिक जनन के अंदर बीज का निर्माण नहीं होता तो इसमें पादप कैसे विकसित होते हैं, तो इसमें नए पादपों को विकसित करने यानी नए पादप बनाने की कौन कौन सी विधियां हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके अंदर क्या है, चार विधियां हैं, कितनी, ये चार प्रकार का होता है। कौन कौन सा, सबसे पहला है कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन। इसके बाद दूसरा है मुकुलन, तीसरा है खंडन, और चौथा है बीजाणु निर्माण। सबसे पहले कायिक प्रवर्धन, हमने स्टार्टिंग चैप्टर की स्टार्टिंग में देखा था कि जो पादप है उसके कायिक अंग कौन कौन से हैं, जड़, तना और पत्ती। यानी कायिक प्रवर्धन के अंदर क्या होगा, नए पादप का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा, जड़, तना या पत्ती से होगा, क्योंकि इसमें बीज तो बनते नहीं है, तो जड़, तना या पत्ती क्या होगे, आगे नए पादप के रूप में विकसित होंगे। क्योंकि यह जनन कायिक अंगों द्वारा होता है इसलिए इसको क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन कहते हैं। इसे हम एक उदाहरण से समझेंगे कि मान लो कोई गुलाब का पौधा है, जैसे ये गुलाब है, मान लो ये गुलाब का पौधा बना के देखते हैं, ये गुलाब का पौधा है, ये इसमें पत्तियां लगी हुई है, और ये इसकी जड़ है, ठीक है। तो इसके अंदर जो भाग गुलाब के, जो कली है इसका जो भाग तने से जुड़ा होता है, ये इसका तना है, ये शाखा होती है, यानी इसका ये जो भाग इस तने से जुड़ा हुआ है, मेन जो इसकी शाखा निकली है, जो तना है उससे जुड़ा हुआ है, यहाँ जो बिंदु होता है इसको बोलते हैं पर्वसंधि,
इसको क्या बोलते हैं? परवसंधि। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो गुलाब का पौधा है उसकी हम कलम लेंगे। कलम का मतलब यहाँ पेन से नहीं है, कलम यहाँ क्या है कि जो गुलाब की शाखा का जो भाग मेन जो ब्रांच से मेन जो तने से जुड़ा होता है, परवसंधि से जुड़ा होता है, उतने इस भाग को क्या कहते हैं? कलम कहते हैं। इस कलम को तोड़कर अगर मिट्टी में दबा देते हैं, मिट्टी में दबाने के बाद उसमें अगर हम नियमित रूप से पानी डालते रहेंगे तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद यानी थोड़े ही समय के बाद क्या हो जाता है, नया जो पौधा है वो तैयार हो जाता है, नया पौधा तैयार हो जाता है। और थोड़े ही समय में कायिक प्रवर्धन का एक सबसे बड़ा जो लाभ होता है वो क्या होता है कि अगर बीज डालकर किसी पादप को बनाएं या जो इसके कायिक अंग से पादप नए पादप को विकसित किया जाए, तो जब कायिक अंग से विकसित किया जाएगा तो उसके अंदर समय बहुत ही कम लगता है किसकी तुलना में, बीज से कर बीज की तुलना में। ठीक है, ये तो था गुलाब। इसके अलावा एक एग्जांपल और है इसके अंदर, आलू का। इसमें क्या है कि जो आलू है, मान लो ये हमारा आलू है और हम देखते हैं हम घर पे हमारा मतलब आलू हम देखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आलू के ऊपर छोटी छोटी सी बूंदे होती है, मतलब बाहर निकली हुई छोटी सी, ऐसे लगता है कि जड़ है। कौन से रंग की होती है? सफ़ेद रंग की सी होती है वो, उसकी जड़ नहीं होती। उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आलू की आँख। क्या कहते हैं उसको? आलू की आँख। अगर इसी आलू को या तो पूरे आलू को या फिर इसका कोई भी मतलब भाग काट कर, लेकिन ध्यान रहे उस भाग के अंदर क्या होनी चाहिए, उसकी आँख ज़रूरी होनी चाहिए। उसको अगर हम मिट्टी में दबा देते हैं और उसको नियमित रूप से पानी देते रहें तो कुछ ही समय के बाद हम देखेंगे कि वहाँ पर नए आलू उग गए हैं, नए आलू उग गए हैं। तो ये क्या है, क्या किया था हमने, शाखा से जड़ से क्या किया, नए पादप का निर्माण किया, यानी पौधे के कायिक अंगों से नया पादप विकसित किया। इसको हम क्या बोलते हैं? कायिक परिवर्धन बोलते हैं। इसके बाद में दूसरा है मुकुलन। इसको हम एक उदाहरण से समझेंगे, ईस्ट के। ईस्ट क्या है? एक पादप है या एक जीव है। ये एक कैसा जीव है? ये एकल कोशिका जीव है, यानी इसके पूरे शरीर के अंदर सिर्फ एक ही कोशिका है। ये मान लो ये जीव है, ये ईस्ट है। इसके अंदर क्या होगा, इसके ऊपर से परवर्ध निकलने शुरू हो जाएंगे, यानी ये ईस्ट है, यहाँ से ये इसकी एक अतिवृद्धि होनी शुरू हो जाती है। इसको, इस अतिवृद्धि जो होती है इसको हम क्या कहते हैं, ये जो इसका परवर्ध निकलता है इसको मुकुल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मुकुल। और ये क्या हो जाता है, इस प्रकार से कई मुकुल निकल जाते हैं। ये सारी क्या होती है, इसको सारे को कहते हैं मुकुल श्रृंखला। और ये मुकुल की श्रृंखला बनने के बाद ये अलग अलग होकर क्या हो जाते हैं, नए जीव के रूप में विकसित हो जाते हैं, नए जीव के रूप में विकसित हो जाते हैं। क्योंकि इसमें मुकुल बनाए इस कारण इस विधि को क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार को क्या कहते हैं, मुकुलन। इसके बाद आता है खंडन। खंडन जनन के अंदर क्या होता है कि कोई भी जीव या कोई भी
जो पादप है वो क्या होता है, दो भागों, दो या दो से ज़्यादा भागों में विभाजित हो जाता है, और ये दोनों भाग मिलकर क्या करते हैं, अलग अलग नए जीव का निर्माण करते हैं, नए जीव के रूप में विकसित होते हैं। इसका उदाहरण है शैवाल, या इसे कह देते हैं एल्गी। शैवाल क्या होते हैं, हमने देखा होगा आपने कि जो तालाब है या कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पर पानी काफ़ी समय तक ठहरा रहता है और वो वायु के संपर्क में होता है सीधा, तो वहाँ क्या होता है, उस पानी में ऊपर ऊपर हरे रंग की सी परत आने लग जाती है, जिसे हम आम भाषा में काई बोलते हैं। किसे क्या बोलते हैं, काई बोलते हैं। इसी काई को क्या कहा जाता है, शैवाल कहा जाता है। ये शैवाल आगे नए शैवाल कैसे बनाते हैं कि ये एक शैवाल है, ये एक शैवाल है, ये क्या होगा, टूट जाएगा और दो भागों में बंट जाएगा, यहाँ से टूट गया और दो भागों में बंट गया, और ये दोनों भाग क्या होंगे, नए जीव के रूप में विकसित होते जाएंगे। ठीक है, अब है चौथा बीजाणु निर्माण। बीजाणु निर्माण को हम कैसे समझेंगे कि हमारे घर में हमने देखा होगा कि नींबू का अचार हुआ या ब्रेड हुआ, उस पर क्या आ जाती है, फफूंद आ जाती है, रुई जैसी सी फफूंद आ जाती है जब ये ब्रेड ख़राब हो जाती है तब, तो क्या उस फफूंद को क्या कहते हैं, कवक कहते हैं, या इसे फंजाई भी कहते हैं। तो इस रुई जैसी फफूंद के अंदर क्या हो जाता है कि छोटे छोटे बीजाणु बनने शुरू हो जाते हैं, छोटे छोटे बीजाणु बनने लगते हैं, और जब तेज़ हवा आती है तो क्या है, ये बीजाणु हवा के साथ उड़ जाते हैं, और क्या होता है कि ये बीजाणु बहुत ही ज़्यादा हल्के होते हैं, इसलिए ये हवा में तैरते रहते हैं, हवा के अंदर तैरते रहते हैं, ये हवा में तैरते हैं। अगर ऐसे भी तो हो सकता है ना कि ये ख़राब हो जाए, कि किसी चीज़ से टकराएं तो टूट जाए, इसके लिए क्या होता है, इनके ऊपर एक सुरक्षात्मक आवरण पाया जाता है जो क्या करता है, इनकी रक्षा करता है। जब ये किसी जगह पर पहुंच जाते हैं तो वहां जाकर क्या करते हैं, अपना आवरण हटा लेते हैं और नए जीव या नए पादप के रूप में क्या हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा कौन से पादपों के अंदर होता है, इनका उदाहरण है मॉस और फर्न। इन पादपों के अंदर क्या होता है, बीजाणु निर्माण होता है और उससे नए पादप के रूप में इनका विकास होना शुरू होता है। तो ये तो थे हमारे अलैंगिक जनन के चार प्रकार, कौन कौन सा, कायिक परिवर्धन, मुकुलन, खंडन और बीजाणु निर्माण। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन। लैंगिक जनन के अंदर क्या होता है, लैंगिक जनन से जब नया पादप बनता है तो उसके अंदर पहले क्या किया जाता है, बीज का निर्माण किया जाता है, और बीज का निर्माण कब होता है, जब नर और मादा युग्मक संलयन होते हैं, या जब नर और मादा युग्मक मिलते हैं। और हमने पढ़ा था कि जो पादप है उसके अंदर नर युग्मक कौन सा होता है, पुंकेसर होता है, और मादा युग्मक कौन सा होता है, स्त्री केसर होता है। ठीक है, हमने पढ़ा था कि लैंगिक पादप के अंदर जो पुष्प होता है वो क्या होता है, जननांग होता है, और इसके अंदर क्या होते हैं, दो भाग पाए जाते हैं। जो नर जननांग होता है उसको तो क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं, और जो मादा जननांग होता है उसको क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं।
क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं। इस चीज़ को आप डायग्राम के अंदर अच्छे से देख पा रहे होंगे कि जो स्त्री केसर है उसके तीन भाग हैं। कितने भाग है? उसके तीन भाग इसके अंदर दिखाए हुए हैं, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। ये ऐसी जो शेप है वो किसकी है? स्त्री केसर की है। और ये संख्या के अंदर कितने हैं? केवल एक ही पाया जाता है एक पुष्प के अंदर, ठीक है। और जो पुंकेसर है उसकी शेप कुछ ऐसी सी है, और जो पुंकेसर है वो संख्या में बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। ये पुष्प के अंदर बहुत सारी मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि जो स्त्री केसर है वो कैसा दिखता है। इसके तीन भाग होते हैं, जो ऊपर ऊपर वाला होता है ये होता है वर्तिका, जो बीच वाली जो पाइप होती है पतली सी उसको बोलते हैं वर्तिकाग्र, और जो ये नीचे जाकर ऐसे अंडे की शेप में बनता है उसको बोलते हैं अंडाशय। और अंडाशय के अंदर क्या होता है? बीजांड पाया जाता है। क्या होता है? बीजांड पाया जाता है। और पुंकेसर के अंदर जो ये भाग होता है इसको बोलते हैं प्राकोष। इसको क्या बोलते हैं? प्राकोष बोलते हैं। अगर हम बात करें कि स्त्री केसर और पुंकेसर का निर्माण कौन करता है, नर यानी नर युग्मक और मादा युग्मक कैसे बनते हैं, तो पादप के अंदर जो बीजांड बनता है उसके अंदर क्या होते हैं? छोटे छोटे बहुत सारी मात्रा में क्या पाए जाते हैं? बीज पाए जाते हैं। छोटे छोटे मात्रा के, छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? अंड, यानी इनको बीज भी बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं? अंड भी बोलते हैं। और ये क्या करते हैं? मादा युग्मक का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? मादा युग्मक का निर्माण, यानी मादा युग्मक का निर्माण कौन करता है? अंडाशय करता है। कौन करता है? अंडाशय। और प्राकोष जो होता है वो किसका निर्माण करते हैं? प्राकोष किसका निर्माण करते हैं? नर युग्मकों का निर्माण करते हैं। नरयुग्मक कौन से हैं? पुंकेसर। ठीक है, पुष्प के अंदर दो जनन अंग पाए जाते हैं ये हमने देखा, लेकिन बहुत से पुष्प ऐसे होते हैं जिनके अंदर केवल एक ही जनन अंग पाया जाता है, यानी उसमें या तो क्या होगा? नर होगा, या उसमें क्या होगी? मादा होगी। तो इस आधार पर पुष्प कितने प्रकार के रूप में बांटे गए हैं? दो। कौन कौन से? पहला है एकलिंगी, एकलिंगी पुष्प, और दूसरा है द्विलिंगी पुष्प। एकलिंगी पुष्प के अंदर क्या होता है कि या तो इसके अंदर कौन होगा? नर युग्मक, या क्या होगा? मादा युग्मक, यानी दोनों में से केवल एक ही पाया जाता है, दोनों में से एक ही उपस्थित होता है। इसका उदाहरण अगर देखें कि ऐसे कौन कौन से पुष्प होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं? मक्का, पपीता, ककड़ी और खीरा। ये जो पादप होते हैं इनके पुष्प के अंदर क्या होता है?
या तो मादा उपस्थित होगी या नर उपस्थित होगा, यानी दोनों में से केवल एक ही उपस्थित होता है। इनको क्या कहते हैं? एकलिंगी पुष्प। द्विलिंगी पुष्प के अंदर क्या होता है कि नर व मादा दोनों उपस्थित होते हैं, दोनों उपस्थित होते हैं, नर व मादा युग्मक दोनों उपस्थित होते हैं। इसका उदाहरण अगर देखें, ये किन में होता है? सरसों के फूलों में होता है, यानी सरसों के पुष्प में होता है, गुलाब के पुष्प में होता है, ये दोनों उपस्थित होते हैं, नर और मादा दोनों एक साथ उपस्थित होते हैं किसी पुष्प में, तो उसको क्या कहते हैं? द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। अब हम बात करें कि जब नर युग्मक मादा युग्मक के पास पहुंचता है और उसके बाद क्या करता है? निषेचन करता है, और तब क्या होता है? बीज का निर्माण होता है। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? इस क्रिया को क्या कहते हैं? परागण कहते हैं, परागण, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनेशन। यानी अगर इसकी परिभाषा के देखें हम, तो प्राग कणों का प्राग कोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। प्राग कणों का प्राग कोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण होना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। इसको हम समझेंगे, प्राग कणों, प्राग कण किसे कहते हैं? नर युग्मक को कहते हैं। नर युग्मक को क्या कहते हैं? प्राग कण कहते हैं। और प्राग कणों का निर्माण कहाँ होता है? हमने देखा था प्राग कोष के अंदर होता है, यानी प्राग कोष से प्राग कण निकलकर जब कहाँ पहुँचते हैं? वर्तिकाग्र, यानी जो हमने देखा था जो स्त्री केसर है उसके तीन भाग थे, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। ये था हमारा स्त्री केसर, ये था वर्तिकाग्र, ये थी वर्तिका, और ये क्या था? अंडाशय। तो जब नर युग्मक इस तक, इस वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, यहाँ तक पहुंचते हैं, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। प्राग कणों का प्राग कोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण होना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। ठीक है, अब हमने इससे पहले क्या पढ़ा था कि कुछ पुष्प होते हैं जो क्या होते हैं? एकलिंगी होते हैं, यानी उनमें या तो नर होगा या मादा होगा, और कुछ पुष्प होते हैं द्विलिंगी, है ना। तो इनके अंदर क्या होता है? जो परागण होता है वो अलग अलग होता है। क्या होता है? अलग अलग होता है। इसलिए जो परागण होता है वो कितने प्रकार का हो जाता है? दो प्रकार का हो जाता है। पहला तो होता है स्वयं परागण, दूसरा होता है परपरागण। स्वयं परागण के अंदर क्या होता है कि एक पुष्प है,
उसके अंदर क्या है, वर्तिक ये स्त्री केसर है और पुंकेसर है। तो उसी पुष्प के जो पुंकेसर है उड़कर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं, वहाँ स्थानांतरण होते हैं। तो क्या होता है उस कंडीशन में, क्या होता है, स्व परागण होता है। यानी एक ही पुष्प के पराग कणों का या नर युग्मकों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होना या उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है, स्व परागण कहलाता है। पर परागण के अंदर क्या होता है कि जो एकलिंगी पुष्प होते हैं वो क्या करते हैं, या तो उनमें नर युग्मक होता है या उनमें क्या होता है, मादा युग्मक होता है। तो क्या होता है कि जो नर युग्मक है वो हवा के साथ या जल के साथ उड़कर या बहकर क्या करते हैं, दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र या मादा युग्मक के पास पहुंचते हैं। तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, पर परागण होता है। यानी किसी पुष्प के पराग कणों का अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना, ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि जो द्विलिंगी पुष्प होते हैं उनमें सिर्फ स्व परागण हो, उनके अंदर भी पर परागण हो सकता है, ये कभी भी ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, परागण जब होता है तब क्या होता है, निषेचन होता है। क्यों, क्योंकि नर जो नर युग्मक यानी जो परागकण था वो वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है और पहुंचने के बाद क्या होता है, नर व मादा युग्मक का संलयन होता है। संलयन होने से क्या बनता है, युग्मनज बनता है। तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे, निषेचन। क्या होता है, जब नर व मादा युग्मक क्या होते हैं, संलयित होते हैं, क्या होते हैं, मादा युग्मकों का या हम कह सकते हैं कि मादा युग्मकों का संयुग्मन होता है, तो क्या होता है, निषेचन होता है। निषेचन होता है और इनका युग्मन होने के बाद क्या बनता है, युग्मनज बनता है। और ये युग्मनज किसके रूप में विकसित होता है, भ्रूण के रूप में। और भ्रूण से आगे क्या होता है, नए पादप का निर्माण होता है, नया पादप इससे क्या होता है, विकसित होता है। और निषेचन के बाद में क्या होता है कि जो अंडाशय, जो हमारा अंडाशय है वो क्या होता है, फल के रूप में विकसित होता है। अंडाशय क्या होता है, फल के रूप में विकसित होता है। क्या होता है कि जो बीजांड होता है उसके अंदर बीज विकसित होते रहते हैं और वो बीज क्या बनते हैं, भ्रूण, जिनके ऊपर क्या होता है, सुरक्षात्मक कवर होता है। क्या था कि जो बीजांड है
इनके अंदर क्या पाए जाते हैं? बीज पाए जाते हैं जो किसके रूप में विकसित हुए होते हैं? भ्रूण के रूप में। और इनके ऊपर क्या पाया जाता है? एक सुरक्षात्मक आवरण पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? बीज आवरण। क्या कहते हैं इसे? हम बीजावरण कहते हैं। ठीक है। कुछ जो फल होते हैं वो क्या होते हैं? गुद्देदार या रसीले होते हैं। कुछ फल कैसे होते हैं? गुद्देदार या रसीले होते हैं। ये कौन से फल होते हैं? आम हो गया या सेब। और कुछ फल क्या होते हैं? थोड़े कठोर होते हैं, जैसे बादाम और अखरोट। तो ये क्या था हमारा? फल और बीज का निषेचन के बाद क्या था? फल और बीज का विकास कैसे होता है? कैसे होता है? बीजांड से बीज बनता है। सबसे पहले क्या था कि निषेचन हुआ, नर व मादा युग्मक का संलयन हुआ, संयुग्मन से क्या बना? युग्मनज। और युग्मनज से क्या बना? भ्रूण बना। और ये भ्रूण किसके रूप में विकसित हुआ? बीज के रूप में। और बीज के ऊपर क्या पाया जाता है? सुरक्षात्मक आवरण पाया जाता है ताकि जो नया जो बीज बना है वो कहीं किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति के अंदर क्या हो, नष्ट ना हो जाए। उसको हम क्या कहते हैं? बीजावरण कहते हैं। और जो फल है वो दो प्रकार के होते हैं, गुद्देदार और रसीले। इनका उदाहरण क्या है? आम और सेब। और कुछ फल क्या होते हैं? थोड़े कठोर होते हैं। इसका उदाहरण क्या था? बादाम और अखरोट। इसके बाद में हमारा जो लास्ट टॉपिक बचता है वो क्या होता है? बीज प्रकीर्णन। क्या है? बीज प्रकीर्णन। पहले हम इसके नाम को समझें कि प्रकीर्णन का मतलब क्या है। प्रकीर्णन क्या होता है? प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलना। प्रकीर्णन का मतलब है फैलना, यानी बीज का फैलना। बीज के फैलने का मतलब हम कैसे समझेंगे कि कोई भी एक पादप है, इसको छोड़िए, मतलब हमने देखे हैं कि एक जैसे जो पादप होते हैं ना, एक जैसे पादप हम देखते हैं कि बहुत सारी जगह पर उगे होते हैं। एक जैसे पादप बहुत सी जगह पर उगे हुए देखते हैं। ऐसा किसके कारण होता है? बीज प्रकीर्णन के कारण होता है। कैसे होता है? कि हम कई बार खेत में टहलने जाते हैं या फिर तेज हवा आ जाती है या बारिश आती है, तब क्या होता है कि जब हम खेत में जाते हैं तो जो बीज होते हैं वो क्या हो जाते हैं? हमारे कपड़ों के साथ चिपक जाते हैं और इधर उधर, मतलब अलग अलग जगह पर क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं। और वहाँ क्या हो जाते हैं? नए पादप, जहाँ बीज गिरते हैं वहाँ पर जो पादप है वो क्या हो जाते हैं? विकसित हो जाते हैं। और कई बार क्या होता है कि तेज हवा आती है तो क्या करती है कि जो बीजों को अपने साथ उड़ाकर ले जाती है और इधर उधर उन्हें गिरा देती है ना? तो क्या होता है, जहाँ जहाँ बीज गिरते हैं वहाँ क्या होते हैं? नए नए पादप की नए नए जो पौधे हैं वहाँ विकसित हो जाते हैं। जो बीज प्रकीर्णन है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। क्यों ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्या होता है
कि मान लो कि ये जगह है, यहाँ पर क्या है, बहुत सारे बीज गिर गए। मान लो ये बहुत सारे बीज हैं, ये एक ही जगह पे गिर गए। जब ये विकसित हुए तो मान लो एक ये पौधा बन गया, एक ये बन गया, ये बन गया, मतलब ये पास पास हो जाएंगे बिल्कुल ही। पास पास होने से क्या है, इनकी जो बीच वाला मान लो जो पौधा है, क्या होता है कि इसकी जो पत्तियां हैं वो अच्छी तरह से ना तो उसे क्या, बीच वाले जो पौधे की जो पत्तियां हैं उसको क्या होता है, ना तो अच्छी तरह से क्या होता है, सूर्य का प्रकाश मिल पाता है, ना ढंग से जल मिल पाता है, ना वायु मिल पाता है, तो क्या है ये क्या नहीं कर पाती, अच्छे से भोजन नहीं बना पाती। अब भोजन नहीं बना पाएगी तो ये जो पेड़ है ये अच्छे से नहीं, ये जो पादप है अच्छे से विकसित नहीं हो पाएगा। अगर ये अच्छे से भोजन नहीं लेगा तो ये क्या नहीं होगा, ये स्वस्थ नहीं होगा, स्वस्थ नहीं होगा तो इसके जो फल नहीं बनेंगे तो ये किसी काम नहीं आएगा। इसीलिए जो बीज प्रकरणन जब होता है, जब ये अलग अलग जगह फैल जाते हैं तो क्या होता है, ये कुछ दूरी पर फैलते हैं, और यहाँ अगर इस प्रकार से दूर दूर अगर पौधे बनते हैं तो क्या होता है, उन्हें अच्छे से प्रकाश भी मिल जाता है, अच्छे से उन्हें हवा भी मिलती है, पानी भी मिलता है, और इनकी पत्तियाँ क्या कर लेती है, अच्छी तरह से भोजन का निर्माण कर लेती है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का चैप्टर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज़। थैंक यू।